के वाई अपडेट करना है नहीं तो अकाउंट और ए कार्ड ब्लॉक हो जाएगा होशिया होशिया ढाई करोड़ का इनाम मुझे देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन ओ पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। आर कहता है जानकार बने चौकन्ने रहे नामे में आपका खैर मकदम है मैं हूं फयाज अहमद फयाज पहले सुर्खियां माली निजाम को वसत देने और असलाहा से गरीब हो रहे हैं मुस्तफीद अज़म नरेंद्र मोदी अवंतीपोरा के बारागाम त्राल इलाके में फोर्सेज के साथ जैश मोहम्मद से वाबस्त एक मकामी मिलिटेंट हलाक अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में एन एच फोर फोर पर जेर अमल हवाई पट्टी तकमील के आखिरी मरहले में नब्बे फीसद काम मुकम्मल और कोविड की मौजूदा सूरतहाल के पेश नजर मरकज की तरफ से सभी रियासतों और यूटीज के लिए ताजा एडवाइजरी जारी खबरें तफसील के साथ वजीर अजम ने कहा है कि गरीबों और मुतवस्त तबके के लोगों के फायदे के लिए पिछले सात साल में माली निजाम को वसत दी गई है और मुख्तलिफलाहत की गई है नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पांच लाख रुपए तक की जमा रकूम पर मुकर्र वक्त के अंदर बीमे की अदायगी से मुतल एक तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे वजीरजम ने कहा कि सरकार ने हमेशा रकूम जमा करने वाले अफराद के मफाद को मुकदम रखा है नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिन में रकूमत जमा करने वाले एक लाख से ज्यादा अफराद को उनकी वो रकम वापस मिल गई है जो बरसों से फंसी हुई थी और ये एक हजार तीन सौ करोड़ रुपए से ज्यादा की है वजीरम ने कहा कि सरकार ने जमा रकूम पर बीमे की हद एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है ताकि रकूम जमा करने वाले अफराद में एतमाद और भरोसा पैदा किया जा सके इस मौके पर वजीर खजाना निर्मला रमन ने भी ख्याल का इजहार किया अवंतीपोरा के बारागाम त्राल इलाके में आज फोर्सेज के साथ तसादुम आराई में मारे गए मिलिटेंट की शनाख्त इसी गांव के समीर अहमद तांत्रे के तौर हुई है पुलिस ने कहा है कि वह जैश मोहम्मद से वाबिस्ता एक मिलिटेंट था जो कई मामला में मतलूब था पुलिस ने कहा है कि मिलिटेंसी ज्वाइन करने से कबल भी वो एक बालाई वर्कर था पुलिस का यह भी कहना है कि घेराबंदी के बाद उसे खुद सुपुर्दगी करने का भी भरपूर मौका दिया गया वादा रहे यह कार्रवाई पुलिस फौज के 42 आरआर यूनिट और सीआरपीएफ की 130वीं बटालियन ने मुश्तर तौर पर अंजाम दी झड़प की जगह से कुछ हथियार और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है उधर कपवाड़ा के लोलाब इलाके में आज एक मातमी तकरीब मुनदद हुई जिस दौरान कुछ लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर दो रोज कबल बाडीपोरा हमले में जाबाक हुए पुलिस एहलिकार फैयाज अहमद लोन को खराज अदा किया गया खराज अदा करने वालों में पुलिस और फौज के अलावा मकामी लोग भी मौजूद थे बेजबिहाड़ा सुबहानपोरा में साढ़े तीन किलोमीटर مسافت वाली इमरजेंसी लैंडिंग से ट्रिप तकमील के आखिरी मरहले में है एक करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रही इस ट्रिप का नब्बे फीसद ऐसी जायद का हिस्सा मुकम्मल हो चुका है जी न्यूज से बात करते हुए प्रोजेक्ट इंजीनियर अमित कुमार ने कहा और ये अपना इमरजेंसी लैंडिंग का प्रोजेक्ट है जो अपना 90 परसेंट कंप्लीट हो चुका है और जो कुछ 30-40 मीटर का टुकड़ा है जो अपने पास बचा हुआ है पी का अपना और अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि 20 दिसंबर तक हम आराम से इसे कंप्लीट कर देंगे मरकज ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड की हाल पर कड़ी निगाह रखें और जांच के बाद मुतासर पाए जाने के नए मामला वाले इलाकों में इसे फैलने से रोकने की खातिर जिला सतह पर इकदाम करने पर तोज्जो मरकूज करें मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इस बारे में सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान को मुरासला भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी जिले में कोविड के मामलात में तेजी आने की सूरत में मकामी सतह पर सरगर्मी के साथ इकदाम किए जाए बाकी खबरों से पहले वक्फा सर आपका के अपडेट करना है नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा होशिया होशिया ढाई करोड़ का इनाम मुझे देखिए अनजाने कॉल्स फर्जी ईमेल्स लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन ओ पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर आर कहता है जानकार बने चौकर ले रहे यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ ये आपका रूम और ये साथ में बैलकनी इस मिट्टी पे घर पापा सब सोच बेटा घर जिंदगी में एक ही बार बनता है इतना भी नहीं सोचा तूने भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है जमीन मेरी एक है मौका मेरा इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा हाँ शुक्ला जी जवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही मान बेटा पर अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक तो सीमेंट भी नंबर एक ना पापा घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर वन सीमेंट उर्दू खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक एक करोड़ तिरानवे लाख से जायद कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक पिछले चौबीस घंटों में उनतालीस लाख से ज्यादा टीके लगाए गए पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड के आठ हजार चार सौ चौसठ मरीज सेहतियाब हुए और अब शिफायाब होने की कौमी शरह अट्ठानवे आशार्य तीन छह फीसद है मरकजी सरकार ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक एक सौ चालीस करोड़ बीस लाख से ज्याद कोविड से बचाव के टीके फराहम किए गए जम्मू कश्मीर में गुजशत 24 घंटों के दौरान 126 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है इनमें से 15 अफराध की निशानदेही जम्मू सूबे जबकि 111 सौ अफराध कश्मीर सूबे से दर्ज किए गए इसी मुद्दत के दौरान मजीद एक सौ छिहत्तर मरीज शिफायाब हुए इस दौरान चार मरीज फौत हो चुके हैं जिनका ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है यूटी में अब एक्टिव मरीजों की तादाद एक हजार पांच सौ इकतालीस है इस दौरान टीकाकारी मुहिम भी शद्दोमत से जारी है माकमे सेहत ने जिला बारामूला के सोपोर इलाके में बच्चों के मुख्तलिफ क्लिनिक्स का मुआयना करने और फिर बीमार बच्चों का बरसर मौका रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का फैसला किया है यह कदम सब जिला अस्पताल सोपोर में गुजशत दो रोज के दौरान पांच साल से कम उम्र के बीस बच्चों को कोविड पॉजिटिव पाने के तनाजुर में उठाया गया अस्पताल जराय ने बताया कि रैट आठ क्लिनिक्स पर किए जाएंगे गौरतलब है कि पॉजिटिव पाए गए बच्चों की माओं का टेस्ट नेगेटिव आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अगर पंचों सरपंचों काउंसिलरों और डीडीसी अरकान को होटल्स और हॉस्टल्स में मुकीद ही रखना था तो फिर चुनाव ही क्यों कराए गए वो आज अनंतनाग में पार्टी वर्करों और कारकुनों के एक बड़े जलसे से खिताब कर रहे थे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम का दुख और दर्द नाकाबले बयान है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चाडूरा यूनिट की जानिब से आज इलाके के हल्का दफ्तर पर एक प्रोग्राम मुनद किया गया प्रोग्राम पीडीपी जिले सदर बड़गाम मोहम्मद यासीन भट्ट और सीनियर लीडर गुलाम नबी लौन हांजूरा की क्यादत में मुनदद हुआ वादा रहे श्रीनगर में आज के लिए तयशुदा पार्टी के यूथ कन्वेंशन के मुनदद न होने के सबब चाडूरा यूनिट ने इस प्रोग्राम को शॉर्ट नोट्स पर मुनद किया दूसरी तरफ पुलिस ने कहा है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की गुप्कार रिहाइश गह पर आज के लिए तयशुदा यूथ कन्वेंशन में कमोबेश एक हजार लोगों के जमा होने का इम्कान था तहम मौजूदा वबाई सूरतहाल और हाई सिक्योरिटी जोन में बड़ी तादाद में गाड़ियों और लोगों के जमा होने के अहतमाल के पेश नजर इस जलसे को रोकना पड़ा पुलिस ने साथ ही कहा कि महबूबा मुफ्ती हाउस अरेस्ट नहीं है डिप्टी कमिश्नर शोपिया की हिदायत पर म्यूनसिपल काउंसिल शोपिया की तरफ से एक खसूसी सफाई सुथराई और जानकारी मुहिम शुरू की गई इस सिलसिले में एक रैली भी निकाली गई जिस दौरान जिले को प्लास्टिक फ्री बनाने के साथ साथ पॉलिथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी आयद करने से मुतलिक लोगों को आगाह किया गया चरार शरीफ में आज महकमे हॉर्टिकल्चर की तरफ से एक जानकारी और तरबियती कैंप का अहतमाम किया गया इस मौके पर महकमे के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट बतौर बत मेहमान खसूसी मौजूद थे कैंप में मेवा उगाने वालों के साथ साथ अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की कैंप का मकसद किसानों को महकमे की मुख्तलफ स्कीमों के बारे में तरबियत और जानकारी देना था महकमे जंगलात के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर मोहित गेरा ने आज डल झील के इलाके में शजकारी की एक मुहिम शुरू की इस मौके पर लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद बट डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल ओस फारूक मीर और एल की प्रोजेक्ट ऑफिसर गजाला अब्दुल्ला भी मौजूद थी एक लाख पौधे लगाएंगे इसका मकसद यही है कि जो ये आ... कैचमेंट एरिया है इसमें चूंकि आप सब जानते ही हैं कि पेड़ पौधे लगाने के कितने फायदे हैं बट डल के कैचमेंट के सिलसिले में जो सिल्टेशन का इशू रहता है जिसमें सॉइल कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस सिलसिले में ही ये आ, मेजर्स लिए जाते हैं उधर बड़गाम जिले के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जोरीगुंड के अहाते में विलेज पंचायत प्लांटेशन कमेटीज के लिए आज सलाहियत साजी का एक प्रोग्राम मुनकद किया गया प्रोग्राम का मकसद जिले बड़गाम में हरियाली बढ़ाने के लिए इन कमेटीज को महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए उनके रोल के बारे में तफसीली जानकारी दी गई इस मौके पर जिले के डी डी चेयरमैन नजीर अहमद खान मेहमान खसूसी थे एक और वक्फे के लिए रुकते हैं पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ ये आपका रूम और ये साथ में बैलकनी और इस मिट्टी पे घर पापा सब घर जिंदगी में एक ही बार बनता है भरोसा रखिए घर मजबूत ही बनेगा एक है मौका इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर वन सीमेंट चंडीगढ़ खबरें कानसपुर और बारामूला में आज अदबी मरकज कमराज के दफ्तर पर साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की एानत से मारूफ शायर कलमकार और सुकालर डॉक्टर मशल सुल्तानपुरी की याद में एक तकरीब मुनदद की गई अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन बट की सदारत में मुनकदा इस तकरीब में जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी के सबक सक्रेटरी डॉक्टर रफीक मसूदी मेहमान खसूसी थे तकरीब पर कई अदब नवाज शख्सियात ने प्रोफेसर मशल सुल्तानपुरी के दिन पर तकार हफ्ता रोजा अखबार शहाब के बानी और मुदीर मरहूम कासिम सज्जाद की याद में आज टाउन हॉल अनंतनाग में एक तकरीब मनदद हुई जिस दौरान हफ्ता रोजा शहाब के खूसी नंबर को जारी किया गया इस मौके पर रिटायर्ड जस्टिस बी ए किरमानी डॉ नासिर मिर्जा एस तारिक राजा यूसुफ जाहिद मुख्तार और माजिद जहांगीर के अलावा अदब और सहाफत से जुड़ी दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं अदबी संगत कश्मीर के सदर जीरी ताहिर और दीगर जामान गोजरी और पंजाबी महक शायर और अदीब चौधरी इकबाल अजीम बिजरान के फौत होने पर गहरे सदमे का इजहार किया है अपने तजीयती पैगाम में उन्होंने गोजरी अदब के तई मरहूम की खिदमत को याद किया और कहा कि उनके इंतकाल से गोजरी जुबान अदब में एक बड़ा खला पैदा हो गया है संगत ने मरहूम के इसाल सवाब के लिए दुआ किए और सोगवार खानदान से तजियत की है श्रीनगर में आज श्रिमुणी अकाली दल कोमल की तरफ से मुनदा एक तकरीब के दौरान रियासत के सरकर्द मुजाहिद आजादी पंत रतन ज्ञानी करतार सिंह कोमल को उनकी उनतीसवीं बरसी पर खराज अकीदत अदा किया गया तकरीब की सदारत ज्ञानी सुरजीत सिंह बादल ने की मुकर्रीन ने ज्ञानी कोमल जी के हालात जिंदगी और उनके कारनामों पर रोशनी डाली जम्मू कश्मीर में सदियों से मशहूर मट्टी के बर्तन बनाने का फन धीरे धीरे दम तोड़ने लगा है लेकिन वादी के कुछ नौजवान इस फन के अहया के लिए दिलचस्पी दिखाने लगे हैं श्रीनगर के निषाद इलाके से ताल्लुक रखने वाले जमासाल मोहम्मद उमर कुम्हार भी इन्हीं नौजवानों में से एक है जिन्होंने अपने आप को इस फन को दोबारा जिंदा करने के लिए वक्फ किया है यह नौजवान तरह तरह के रोगनी मट्टी के बर्तन तैयार कर रहा है महकमे जंगली आयात की एक टीम ने ट्राल के मिडूरा इलाके से एक जंगली दरंदे को काबू करके मकामी लोगों को उसके चुंगुल से नजात दिलाई है टीम ने एक फंदा नस्ब करके उस खोखार रीच को पकड़ लिया जिसके बारे में मकामी लोगों ने इतला दी थी बाद में डिपार्टमेंट के एहलकारों ने जंगली जानवरों को जंगल में छोड़ दिया इंटरनेशनल गुजर महासभा की तरफ से आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया गया एहतजाजी मुजाहरीन मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में एस टी स्टैट्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए बसूरत दीगर वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे डोलबाग सौरा श्रीनगर के बादशिंदू ने इलाके में नाकिस ड्रेनेज निजाम के खिलाफ आज एहतजाज किया मुजाहरीन ने जिला इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया है कि बार बार याद दहानी के बावजूद भी इंतजामिया उनके इस जायज मसले की तरफ ध्यान नहीं दे रही है उन्होंने इलाके में कायम पार्कों की नागुफ हालात पर भी अफसोस का इजहार किया मुजाहन ने कहा कि इलाके में मेटर्निटी अस्पताल की मौजूदगी के बावजूद कार पार्किंग का कोई माकूल इंतजाम नहीं है उन्होंने एक बार फिर इंतजामिया से अपील की है कि उनके गवर्मेंट अपील मुश्किल हाल

मौसमियात महकमे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश रहने का इम्कान है श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत आठ आशारिया पांच डिग्री सेल्सियस जबकि गुज्तर रात का कम से कम दर्ज हरारत मनफी तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत बीस आशारिया पांच डिग्री सेल्सियस जबकि वहां गुजश्त रात का कम से कम दर्ज हरारत सात आशारिया सात डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज एट द रेट डी डी न्यूज श्रीनगर पर भी लॉग इन कर सकते हैं इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे अल्लाह हाफिज